जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रे, जो कि आषाढ़ महीने में और माघ महीने में आते हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से लेकर के 9 दिन तक जो नवरात्रे होते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री की हमें आवश्यकता होती है और सरल साधारण पूजन के लिए क्या क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले माता रानी का पूजन करने के लिए हमें माता रानी का एक फ़ोटो या विग्रह चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास 10 महाविद्याओं का पूजन जो गुप्त नवरात्रों में किया जाता है, वो आपके पास चित्र या किसी भी प्रकार का फ़ोटो हो, तो आप उसे ले लें पूजा में। तो आप चाहें तो आप शेरावाली माँ का, दुर्गा माँ का भी फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि जो 10 महाविद्याएँ हैं वो दुर्गा माँ का ही रूप हैं, उन्हीं का रूप है। और पंच पल्लव ले लें, आम के 5 पत्ते, या फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, पुष्प मालाएँ, पुष्प जो भी आपको मिल सके वो आप ले लें। और इसके बाद में ये देखिए, कलश स्थापना के लिए सबसे पहले तो गणेश जी के लिए दूर्वा ले ली। कलश स्थापना के लिए हमें लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी की गांठ, एक सिक्का और कुछ अक्षत चाहिए वो ले लें, और रोली, अक्षत, चंदन और हल्दी टीका करने के लिए। और इसके बाद में एक आप दीपक बना लें शुद्ध देसी घी का। यहाँ पर आप अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो बड़ा दीपक लें, घी और ज़्यादा ले लें, लौंग ले लें क्योंकि डेली माँ को लौंग बताशे का भोग लगेगा, इत्र ले लें और कलावा मौली, जिसे हम कलाई नारा भी कहते हैं, और लौंग बताशे का माता रानी को भोग लगेगा। हल्दी की गांठें माता बगलामुखी को चढ़ाई जाती हैं, और नवरात्रों में हल्दी की गांठ चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि आता है, तो आप हल्दी की गांठ भी ले लें। हल्दी की गांठ एकदम साबुत होनी चाहिए। जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो वो माता रानी को आप भोग लगाएं, या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी मिष्ठान का भोग लगाना चाहें वो ले लें। माता रानी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, नवरात्रों में किसी भी दिन आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। कलश स्थापना के लिए एक नारियल ले लें, आप चाहें तो एक और नारियल ले सकते हैं माता रानी को भोग भेंट स्वरूप चढ़ाने के लिए। इसके बाद में कुछ अक्षत ले लें, यानी कि चावल साबुत, उससे हम नवग्रह या फिर षोडश मातृकाएँ बनाएंगे। पंचमेवा का प्रसाद ले लें, बताशे ले लें, बताशे का रोज़ माँ को भोग लगता है, और सामग्री ले लें हवन करने के लिए। अब ये जो सामग्री किस प्रकार से तैयार की जाएगी वो वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लाल पीला वस्त्र ले लें और एक पीतल तांबे का इस तरीके से बड़ा सा कलश ले लें। गणेश जी की प्रतिमा हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी के या फिर मिट्टी के गणेश जी भी बना सकते हैं। इसके साथ में एक आप पात्र ले लें जिसमें हम डेली हवन करेंगे, मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, कोई भी पात्र जो भी उपलब्ध हो, नहीं हो तो आप फ्राई पैन में या कढ़ाई में भी आप हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेहद साधारण पूजन के लिए हमें ये सब सामग्री की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सामान्य गृहस्थीजन गुप्त नवरात्रों में इस प्रकार से बेहद सरल तरीके से माता भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं और माता रानी बहुत ही कम प्रयासों से इस समय में प्रसन्न हो जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ज्वारे भी उगा सकते हैं, नवग्रह षोडश मातृकाओं का भी निर्माण कर सकते हैं, अखंड ज्योत भी यहाँ पर जला सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन वीडियोज़ का आप लाभ ज़रूर उठाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय माता दी।